नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बेरोजगार युवाओं के बारे में। इसको लेकर जो है बिहार सरकार की तरफ से एक स्कीम की शुरुआत की गई है। बिहार में बेरोजगार युवाओं को मुश्किलों में के साथ देने के लिए बिहार सरकार ने जो है एक बड़ी अहम ही फैसला की शुरुआत किया है। ऐसे में युवाओं को हर महीने एक निश्चित रकम देगी, ताकि इस राशि से बेरोजगार युवा एक तो रोजगार की तलाश कर सकें, साथ ही साथ उनका जीवन यापन भी चलता रहे, ताकि वो निश्चिंत होकर नौकरी की तलाश कर सकें। बता दें कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप ऑनलाइन घर से भी कर सकते हैं, या फिर आप वसुधा केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ एक तरह से करने की ऑनलाइन के द्वारा ले सकते हैं। आपको बता दें कि यह योजना सीएम नीतीश कुमार की सात निश्चय योजना का एक हिस्सा है। सरकार का यह मानना है कि आर्थिक हल युवाओं को बल। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि जो युवा किसी कारणवश समय से रोजगार हासिल नहीं कर पाते हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। बता दें कि 2 अक्टूबर 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लाभ पाने के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपको ग्रेजुएट या फिर अपर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ही आप बिहार बेरोजगारी भत्ता 2022 का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि किसी भी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपया या उससे कम होनी चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको शिक्षा विभाग एवं विकास एवं श्रम संसाधन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में डालती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास आवेदन का यानी कि जो आवेदन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि पहले ही कह रखा है विभाग ने कि आपके पास जो है 3 लाख या फिर उससे कम की राशि जो है वो सालाना होने चाहिए। आपके पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपको मैट्रिक का जब सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। आपके पास शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि 12th पास, मार्कशीट, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो दिखानी होगी। आपके पास बिहार का बोनाफाइड होना चाहिए, यानी कि ये प्रमाणित होना चाहिए कि आप बिहार के नागरिक हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना को हम कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। बिहार बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षा विभाग या फिर विकास एवं श्रम संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद आपके सामने विभाग का होम स्क्रीन खुल जाएगा। इस होम स्क्रीन पर आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का पर जो है अप्लाई करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है एक नया पेज खुलेगा। इसी पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गई पूरी जानकारी को आपको भरना है, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर भरना होगा। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP से बॉक्स में आप भरेंगे। उसके बाद जो है कैप्चा कोड आएगा। इसे भरने के साथ साथ आपके साथ जो है दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको लॉगिन करने मिल जाएगा, यानी कि एक तरह से कहने कि आप जो है लॉगिन करने के अधिकारी होंगे। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पर जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको पूरा फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड के साथ साथ कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद आपका पंजीकरण का पूरा डाटा जो है वो खुल जाएगा। शिक्षा विभाग के साथ साथ विकास एवं श्रम संसाधन विभाग जो है बिहार सरकार की बेरोजगार युवाओं को सहायता करते हुए उन्हें जो है यह लाभ दे रही है, ताकि जो है वो रोजगार पा सके और रोजगार की ओर वो जो है अग्रसर हो सकें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।